हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल फर्स्ट एकेडमी एंड आई होप यू आर वेल एंड हेल्दी। और ये जो वीडियो हमारी एमसीक्यूज की वीडियो है, पार्ट नंबर 7 हम कर रहे हैं। जो न्यू व्यूअर्स हैं उनको मैं बता दूं, हिस्ट्री जो हमने कंप्लीट कर ली है और इसके टॉपिक्स प्लस एमसीक्यूज की जो वीडियोज है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक कर सकते हैं। साथ ही में टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पर सभी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मैंशन इसका लिंक भी और पीडीएफ वगैरह आपको यहाँ पर प्रोवाइड हो जाएंगी, इसलिए आप यहाँ पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसके अलावा सिविक्स के टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं और अब इसके एमसीक्यूज चल रहे हैं और जल्दी से इसके एमसीक्यूज भी कंप्लीट होने ही वाले हैं, ठीक है। उसके बाद ज्योग्राफी हम शुरू करेंगे, साथ में ही करंट अफेयर्स की भी सीरीज आएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दिया कीजिए, ठीक है ना। इनमें से कौन सा राजा 2001 के रहस्यमय कत्लेआम में मारा गया था, तो जल्दी से बताइए आंसर। हमने टॉपिक में पढ़ा और आपने वैसे भी पढ़ा हुआ है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी वीरेंद्र, ठीक है, वीरेंद्र। लोकतंत्र को किस प्रकार दोबारा बहाल किया जा सकता है, यानी लोकतंत्र को दोबारा से लाने के लिए क्या क्या चीज की जा सकती है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। यानी लोकतंत्र को बहाल करने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, दूसरा लोग अगर जागरूक होंगे, जनता, और तीसरा है जो राजनीतिक संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो भी अवेयर होंगी, वो भी साथ में आएंगी, तो ये पॉसिबल हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, उन संग्रहों को क्या कहते हैं जो सरकारी नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं, तो इनको कहा जाता है क्या, इनको कहा जाता है दबाव समूह, यानी प्रेशर ग्रुप्स, प्रेशर ग्रुप्स, ठीक है। और प्रेशर ग्रुप्स का जो अगर हम बात करें इनकी विशेषताओं की, तो प्रेशर ग्रुप्स डायरेक्ट इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, इनका जो काम होता है वो होता है गवर्नमेंट ने जो पॉलिसीज बनाई है उसको प्रभावित करना, ठीक है। अगर वो सही नहीं है तो उसके अगेंस्ट फिर विरोध प्रदर्शन करना वगैरह, या फिर कोई भी तरीका वो अपना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, नेपाल में लोकतंत्र कब लागू हुआ, तो यहाँ पर लोकतंत्र लागू हुआ 1990 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारे पास, औपचारिक का क्या अर्थ है, औपचारिक का क्या अर्थ है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ए और बी। औपचारिक का अर्थ है दिखाओ और नियमों के अनुसार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, नेपाल में संवैधानिक राजतंत्र को किसने स्वीकार किया था, तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजा वीरेंद्र ने। यहाँ पर क्या बात हो रही थी, संवैधानिक राजतंत्र का मतलब आपको समझ में आ रहा है, मतलब राजा तो रहेगा ही, साथ में संविधान भी लागू हो गया है उस देश में, जिससे कि फायदा ये होगा कि जो राजा वो निरंकुश नहीं रहेगा, उसको संविधान के हिसाब से चलना पड़ेगा, तो ये बात एक्सेप्ट कर ली थी राजा वीरेंद्र ने। लेकिन और जो लोग थे उनको ये चीजें, कुछ लोग थे उनको ये चीजें बिल्कुल भी समझ नहीं आई, उनको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, इसलिए उनका फिर हत्या करवा दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 7 है, राजा ज्ञानेंद्र ने राजा बनने के बाद क्या किया, ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, राजा बनने के बाद ज्ञानेंद्र ने, राजा ज्ञानेंद्र ने क्या किया, ऑप्शन ए और बी बिल्कुल सही रहेगा। लोकतांत्रिक शासन को स्वीकार करने से मना कर दिया था, दूसरा 2005 को फरवरी में राजा ज्ञानेंद्र ने प्रधानमंत्री को भी उसके जो पद है उससे हटा दिया था, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास, नेपाल की संसद ने कौन सी बड़ी पार्टी बनाई, नेपाल की संसद ने कौन सी बड़ी पार्टी बनाई, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, 7 पार्टी अलायंस यानी 7 पार्टी अलायंस, सप्तदलीय गठबंधन, SPA, ठीक है, उपरोक्त सभी, मतलब ये जो 3 है ये एक ही पार्टी है, यानी 7 पार्टीज का ग्रुप, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा डी। नाम अलग अलग तरीके से बोले गए हैं, ठीक है ना, SPA भी कहा जाता है इसको और सप्तदलीय पार्टी भी कहा जाता है और 7 पार्टी अलायंस भी इसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, नेपाल की राजधानी कौन सी है, तो जल्दी से बताइए इसका आंसर, इसका आंसर है काठमांडू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, यहाँ पर लोगों ने कर्फ्यू के दौरान क्या किया, यानी बंद के दौरान लोगों ने क्या किया, तो आंसर रहेगा सी, ए और बी, लोगों ने कर्फ्यू तोड़ दिया था और सड़कों पर भी उतर आए थे, और ये चीज तब तक होती रही जब से 3 से 5 लाख लोग के बीच लगभग लोग उतर आए थे सड़कों पर, फिर और फिर जो सरकार है उनको बात माननी ही पड़ी थी, डिमांड एक्सेप्ट करनी ही पड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोग आंदोलन क्यों कर रहे थे, तो लोग आंदोलन क्यों कर रहे थे बताइए, लोकतंत्र की बहाली के लिए, है ना, लोकतंत्र को लाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, आंदोलन की रूपरेखा कैसी थी, तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। लोग क्या थे, बिल्कुल यूनिटी के साथ आगे बढ़ रहे थे, एकता के साथ, और यूनिटी की वजह से सुरक्षा बलों की एक न चल सकी वहां पर, और वो भी कमजोर पड़ते नजर आ रहे थे,
13 अप्रैल को जो आंदोलनकारी है उनकी संख्या 3 से 5 लाख तक पहुंच गई। पहले कम थी लेकिन 13 अप्रैल तक आते आते संख्या ज्यादा होने लगी, तो फिर सरकार को अपना जो डिसीजन उसको चेंज करना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंदोलनकारियों ने राजा को क्या दिया? तो इसका जो आंसर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, मांग पत्र और अल्टीमेटम। मांग पत्र मतलब उनकी 3 डिमांड थी लोगों की कि हमारे जो 3 डिमांड्स उसको मान लिया जाए, ये उन्होंने अल्टीमेटम दिया था कि इस तारीख तक ये चीज तुम्हें करनी है। अल्टीमेटम में क्या लिखा था ये बताइए जरा इसका आंसर। अल्टीमेटम में लिखा था उपरोक्त सभी क्या क्या चीजें लिखी थी, संसद को बहाल किया जाए, ये थी 3 डिमांड इनकी, संसद को बहाल किया जाए, सर्वदलीय सरकार बने और नई संविधान सभा का गठन हो। तो ये वाली जो डिमांड थी ये उन्होंने मांगी थी, अल्टीमेटम दिया था। अल्टीमेटम का जो है आखिरी दिन वो क्या रखा गया था, तो इसका जो लास्ट डे है वो रखा गया था 24 अप्रैल 2006, कि हम 2006 तक वेट कर रहे हैं, उसके बाद फिर हम वेट नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक दिन सरकार ने कितनी मांगे मानी? तो इसका आंसर रहेगा सी, 3 जो डिमांड थी इनकी मान ली गई सरकार द्वारा। क्वेश्चन नंबर 17 है, नेपाल के लोगों का संघर्ष किसके लिए प्रेरणा का एक स्रोत है? तो ये प्रेरणा का एक स्रोत है किसके लिए, ए और बी इसका ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, पूरे विश्व के लिए और लोकतंत्र प्रेमियों के लिए, यानी पूरे वर्ल्ड को पता चला जैसे नेपाल में चीजें हुई वैसे वर्ल्ड वाइड चीजें पता चल ही जाती हैं। एक कंट्री में जो चीज होती है, घटना घटित होती है, दूसरी कंट्री में पता चल ही जाती है, तो इसी वजह से पूरे विश्व को इस बारे में पता चला, और दूसरा लोकतंत्र प्रेमियों के लिए भी ये चीज बिल्कुल इंस्पिरेशन से कम नहीं थी। माओ की विचारधारा को मानने वालों को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक मिनट, ये जाएगा माओवादी। ठीक है, क्या जाएगा इसका जो आंसर है, ये जाएगा माओवादी, यानी माओ की जो विचारधारा को मानने वाला, और माओ की जो विचारधारा थी वो थी साम्यवादी। ठीक है ना, तो माओवादी विचारधारा, क्योंकि माओ स्पेशली हम बात कर रहे हैं माओ की विचारधारा को मानने वाले लोग। ठीक है, यहाँ पे हमने ये नहीं पूछा कि माओ की विचारधारा किससे संबंधित थी, तो माओ जो है उससे रिलेटेड जो विचारधारा उसको मानने वाले लोगों को माओवादी कहते हैं। और ये चीन के एक कह सकते हैं क्रांतिकारी थे, और इन्होंने काफी सारी चीजें भी की थी। क्वेश्चन नंबर 19 है, लोकतंत्र की कथाएं कौन बताता है? तो लोकतंत्र की कथाएं कौन बताता है, ये है हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी, नेपाल और पोलैंड की कथाएं, ये हमें लोकतंत्र की कहानियां बताती हैं। क्वेश्चन नंबर 20, वर्ल्ड बैंक जो है, विश्व बैंक जो है, उसने सरकार पर दबाव क्यों डाला? तो उसने सरकार पर दबाव डाला था क्यों, ऑप्शन ए और बी देख लेते हैं, नगर पालिका के लिए, और दूसरा है जल आपूर्ति पर अपना नियंत्रण हटाने के लिए। ठीक है, बेल्जियम की बात है ये, इसमें बोला गया था कि जो जल आपूर्ति की जो राइट है, यानी इससे संबंधित जो राइट है वो किसको दे दिए जाए, एमएनसी को, यानी मल्टीनेशनल कंपनी को दे दिए जाए, नगर पालिका से लेकर ये राइट किसको दे दिए जाए, मल्टीनेशनल कंपनीज को। तो हुआ क्या था यहाँ पर, मल्टीनेशनल कंपनी को जब राइट दे दिए गए थे तो फिर क्या हुआ आगे, बिल जो है लोगों का वो 4 गुना बढ़ गया था, और फिर लोग जो है डिमांड के लिए आगे आ गए थे कि भाई ये चीज सही नहीं है। सरकार ने पानी के लिए क्या कदम उठाए? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी, जलापूर्ति के अधिकार बेच दिए और कीमत 4 गुना हो गई, मैंने आपको अभी भी बताया है। क्वेश्चन नंबर 22 है, लोगों का जो मंथली जो बिल है वो कितना आने लगा था? एमएनसी को जैसे ही राइट से दिए गए थे सारे, तो बिल कितना आने लगा था लगभग, तो ये आने लगा था आपका 950। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, नेपाल ने कब नए संविधान को अपनाया? तो नेपाल ने नए संविधान को अपनाया था कब, 2015 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, सन 2000 के गठबंधन में कौन कौन शामिल था? तो इस गठबंधन में शामिल था कौन कौन, उपरोक्त सभी, श्रमिक भी, मानवाधिकार कार्यकर्ता भी, इसके अलावा सामुदायिक नेता भी। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे पास, फरवरी आंदोलन में सरकार ने क्या कदम उठाए? तो फरवरी आंदोलन में सरकार ने क्या कदम उठाए थे, देखिए ये है, दमन किया गया था। ठीक है, उनका दमन किया गया था। माओवादी की विचारधारा क्या थी बताइए जल्दी से, तो इसका जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा, ये मजदूरों के बारे में, किसानों के बारे में बात करते थे, इसके अलावा सरकार को उखाड़ फेंकने की बात करते थे। नेक्स्ट है, राजा वीरेंद्र की हत्या कैसे हुई थी? तो इसका आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कत्लेआम। नेक्स्ट है, दमन का क्या अर्थ है? दमन का क्या अर्थ है, तो इसका ऑप्शन रहेगा बी, दबाव डालना। ठीक है,
दमन। क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। अप्रैल में भी हड़ताल में सरकार ने क्या किया था? तो इस हड़ताल में सरकार ने क्या किया था? मार्शल लॉ लागू कर दिया गया था, ठीक है, यानी अब लोगों को का दमन किया गया है, जो भी आंदोलनकारी थे उनको वापस भेजने की तैयारी हो गई थी। माओवादी कौन थे जल्दी से बताइए? चीनी क्रांतिकारी, ठीक है, चीनी क्रांति के नेता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31 हमारे पास। लोकतंत्र की जड़ें मजबूत होने की क्या निशानी है? कैसे पता चलेगा कि जो डेमोक्रेसी है किसी कंट्री में काफी मजबूत है? तो ये कैसे पता चलेगा? उपरोक्त सभी अगर चीजें होंगी, जैसे कि जन संघर्ष के जरिए विकास होता है किसी भी लोकतंत्र में, और सत्ताधारियों और सत्ता में हिस्सेदारी चाहने वालों में संघर्ष होता है, यानी जिसकी सत्ता है और जिनकी सत्ता नहीं है, यानी आम जनता, कुछ फैसले आम सहमति से हो जाएं, ये भी एक लोकतंत्र की विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 32, अल्टीमेटम की तीन मांग क्या थी जल्दी से बताइए? ये ऑप्शन, ये क्वेश्चन हमने कर लिया है वैसे तो, ये रहा उपरोक्त सभी। एसपी जो है वो अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री बना, साथ में ही राजा की शक्तियां वापस ले ली गई, एसपी और माओवादियों के बीच में सहमति भी हुई। क्वेश्चन नंबर 33 है हमारे पास। जल युद्ध किसे कहा गया? इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल पहले ही देख लो, पानी के निजीकरण के खिलाफ संघर्ष। क्वेश्चन नंबर 34, नेपाल में राजतंत्र को कब खत्म किया गया? तो नेपाल में राजतंत्र को खत्म किया गया 2008 में, ठीक है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 35 के साथ। लोकतांत्रिक संघर्ष का समाधान कौन करता है? तो इसका समाधान करता है कौन? उपरोक्त सभी, जनता, संसद और हमारी न्यायपालिका। क्वेश्चन नंबर 36, बोलिविया कहां पर है? तो बताइए कहां पर है ये, इसका आंसर क्या आप कमेंट सेक्शन में देंगे? ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए इसका आंसर कि बोलिविया कहां पर है। और ये क्वेश्चन काफी कॉमन सा है क्योंकि काफी सारे चैप्टर्स में बोलिविया के बारे में बात हो चुकी है, तो बोलिविया कहां पर है जल्दी से आपको जरूर जरूर बताना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, और मन करे तो लाइक कर दिया कीजिए, ठीक है, और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस।